बल्दियाती इलेक्शन में लास्ट टाइम कौन जीता था? इमरान खान। बल्दियाती इलेक्शन में कौन जीता था? इमरान खान। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन में इमरान खान जीता था, फिर प्राइम मिनिस्टर बना था। हाँ। अच्छा, तो बल्दियाती इलेक्शन में इमरान खान कैसे जीता? आपको मैं जाहिल लग रही हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद अपने आप को फील कर रहा हूँ जाहिल। बल्दियाती इलेक्शन में जो, आप मुझे कंफ्यूज ना करें, मैं इस्लामाबाद की कोई पप्पू बच्ची नहीं हूँ, मम्मी डैडी नहीं हूँ मैं, मुझे अच्छी खासी नॉलेज है हर चीज की, ऐसी मैं आके नहीं बैठी हूँ आपके सामने। अच्छा अच्छा, तो इस्लामाबाद की पप्पू बच्ची होती है आप? कराची की बोल्ड होती है। वो कराची की बोल्ड बंदी बैठी है हमारे सामने। वाह 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 वाह, तो कराची की बोल्ड बंदी से और सवाल भी होने चाहिए। पूछे, आप पूछे। ये एक दफा कंफर्म कर लेते हैं, बल्दियाती इलेक्शन में इमरान खान जीता था। इमरान खान जीता था भाई, वाह जबरदस्त। तो बल्दियाती इलेक्शन में जीतने के बाद उसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया, कराची की बोल्ड लड़की। दूसरा सवाल, HSY क्या चीज है? फैशन डिजाइनर। कैसे पता भाई फैशन डिजाइनर है ये? पॉलिटिशियन भी तो सकता है। नहीं, पॉलिटिशियन नहीं है वो, HSY जो है फैशन डिजाइनर है, मैंने उसके बारे में पढ़ा भी था। क्या? कि वो बहुत गरीब था, उसने जब फर्स्ट ड्रेस बनाया था तो जैसे कर्टन्स होते हैं ना, उन्हीं को उतार के टेलर्स को दे दिया था, वहीं बिठा के किसको सियो, और वो पहले ही उसका मैगजीन में छप गया था, जो उसकी पेमेंट आई थी फिर उसने टेलर्स को दी थी वो। HSY तो पॉलिटिशियन नहीं? नहीं नहीं, फैशन डिजाइनर है वो, सेलिब्रिटी डिजाइनर है। अच्छा, पक्का? पक्का। नोमी अंसारी कौन है? He's a gay. हाँ? Gay वो। वो भी तो फैशन डिजाइनर है। वो पहले गे था, फैशन डिजाइनिंग में आया इसलिए था कि उसको कोई अच्छा पार्टनर मिले। आप इस तरह सर क्यों पकड़ रहे हैं? गे होना कोई बुरी बात है? नहीं, मैं आपकी बात पे, होमो होना कोई बुरी बात थोड़ी है, उनको हम स्ट्रेट लोग बुरे लगते होंगे, मैं कैसे क्रिटिसाइज कर दूंगा? नहीं, मैंने ये तो पूछा ही नहीं है, मैं तो आपसे सीधा पूछ रहा था, नोमी अंसारी को भी आप कह सकते थे फैशन डिजाइनर? नहीं, जो है पहले दिमाग में मैंने वो बताया। कैसे, कोई सबूत है, कहीं देखा है आपने, आपका कोई दोस्त उनका पार्टनर है, कैसे कह सकती हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे आपने? गे लोगों को देख के पता चल जाता है वो गे हैं। और HSY? HSY तो मुझे स्ट्रेट ही लगता है। स्ट्रेट है? स्ट्रेट है। और नोमी अंसारी? गे। मतलब पहला लफ्ज ये निकला। अच्छा, 18वीं तरमीम क्या है? 18वीं तरमीम जो है वो, पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री है ना, तो इसके लिए यहाँ पे फैशन शोज तो हो नहीं सकते, फैशन शोज पाकिस्तान में अलाउ नहीं है इस्लामिक कंट्री की वजह से, इसलिए वो जो है वो एक लाइसेंस है यहाँ पे शोज का। मैं कंफ्यूज नहीं होंगी। मैं होंगी नहीं। नहीं नहीं, एक मिनट, 18वीं तरमीम क्या है? लाइसेंस है। लाइसेंस है किस चीज का? फैशन शोज करवाने का। 18वीं तरमीम लाइसेंस है फैशन शोज करवाने का? जी। ये कैसे आपको पता चला? ये मैंने पढ़ा था कहीं पे। बल्दियात के इलेक्शन में कौन जीता? इमरान खान। HSY कौन है? फैशन डिजाइनर। नोमी अंसारी कौन है? फैशन डिजाइनर। पहले क्यों बोला कि पहले क्यों बोला ऐसे ही अपनी तरफ से? और 18वीं तरमीम क्या है? 18वीं तरमीम लाइसेंस। लाइसेंस है भाई, 18वीं तरमीम लाइसेंस है। ये लाइसेंस जिसके पास होगा वो फैशन डिजाइनर बनेगा, शो करवा सकता है। अच्छा अच्छा, फैशन शो जो होते हैं, लाहौर वीक, कराची वीक, फैशन वीक, इसको करवाने के लिए 18वीं तरमीम का लाइसेंस चाहिए। कंफर्म बात है? कंफर्म। कैसे? 100% कराची की बोल्ड लड़की बैठी है हमारे सामने, इस्लामाबाद की पप्पू बच्ची नहीं है। इस्लामाबाद आए मुझे गालियां देंगे? नहीं, गाली की बात ही नहीं, आप टैलेंटेड इतनी, आपके पास नॉलेज माशाल्लाह इतना है। थैंक यू। 18वीं तरमीम जो फैशन शो का लाइसेंस है जी, कोई सियासत से रिलेटेड चीज नहीं है? नहीं। कंफर्म? कंफर्म। अपनी मर्जी से बोली आपने बात? नहीं नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, पढ़ा था मैंने। ओ, पढ़ा भी आपने? ये 18वीं तरमीम फैशन शो का लाइसेंस है, ये कैसे पढ़ा आपने? मैंने उसके फैशन शोज के बारे में पढ़ी थी, मुझे बीच में थोड़ा इंटरेस्ट हुआ था कि मैं इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करूं मेजर फील्ड के लिए अपने, तो मैंने उसी में पढ़ा था। गूगल ने बताया आपको कि 18वीं तरमीम जो है फैशन शो का लाइसेंस है जी। वाह जबरदस्त, और बल्दियाती इलेक्शन में जीता। तो वसीम अख्तर क्या है फिर? क्रिकेटर। वसीम अख्तर क्या है? क्रिकेटर। और ही इज मैरिड, इंग्लैंड की है उसकी वाइफ आई थिंक। इंग्लैंड? ऑस्ट्रेलिया। मेयर कराची कौन है? मेयर ऑफ कराची कौन है? नहीं पता तो बोले, नहीं पता या नाम ले? मेयर ऑफ कराची नहीं पता। ठीक हो गया, जबरदस्त। तो ये मुझे बताएं 1971 में क्या हुआ था? 1971 उसमें ये हुआ था, वॉर्स की बात बताऊं? वॉर्स के बारे में बताऊं? और भी कुछ हुआ था? जो भी कुछ आपको याद है बताओ। यही मेन था जो मैंने, 1971 में फैशन शो हुआ वो बताएं। मैंने जो पढ़ा है पाकिस्तान स्टडीज में, तो मुझे यही याद है कि 1971 में जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ने ही हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसका भी बड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया था, जो आज तक याद है, इंडिया को भी याद होगा। 1971 में जंग हुई थी। अच्छा,
और हमला किया इंडिया ने और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, हरा दिया, हरा दिया। इंडिया को नेस्तनाबूद कर दिया 1971 में। ये आपने कहाँ पढ़ा? ये मैंने अपने स्टडी से पढ़ा था। 1971 में इंडिया ने हमला किया, पाकिस्तान ने नेस्तनाबूद कर दिया। वाह भाई वाह, ये किताबें कहाँ है ये वाली? ये हमारी स्टडी में है, उसमें ये लिखा हुआ है 1971 की जंग पाकिस्तान जीता था, इंडिया नहीं। कंफर्म इंडिया नहीं जीता तो वो तो लाजमी होगा हमारे सिलेबस में। अगर इंडिया नहीं जीता तो आप खुद बताएंगे तो हमारे सिलेबस में लाजमी होगा ना, अपने बारे में तो पढ़ेंगे ना। कंफर्म बात है कि 1971 में? बिल्कुल कंफर्म है, मैं इसलिए रुकी थी, मैं समझी आप 1973 पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे। 1973 में क्या हुआ था? आईन, हां लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था। ये भी याद है आपको? याद है। आईन क्या होता है? आईन जैसे कि उसमें लॉज लिखे होते हैं कि कंट्री में क्या क्या क्या, और उसी में लिखा हुआ है 18वीं तरमीम, उसी में लिखा हुआ है कि फैशन शो के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है भाई। कराची की बोल्ड लड़की, जिसको सारी मालूमात है, अल्हम्दुलिल्लाह सब पता है उसको, सब पता है, बम्बाट दिमाग तेज है इसलिए जल्दी समझ आ जाता है। 1971 में जंग हुई, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, इंडिया को बाहर निकाल दिया जी। और बांग्लादेश कैसे बना था? बांग्लादेश तो अलग हुआ था ना, उसे छिन गया था ना, उस पे उसने क्या नाम है उसका, भुट्टो ने साइन कर दिए थे पेजेस पे। भुट्टो ने साइन किए थे पेजेस पे, भुट्टो ने साइन किया, ले लो यार तुम्हारा हो गया बंगाली, क्योंकि बीच में इंडिया ने क्या किया था, जब हमें पार्टीशन हुआ था तो बांग्लादेश इस तरफ रख के खुद बीच में आ गए थे, तो जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था तो बीच में इंडिया से गुजरना पड़ता था, बड़े मसले हुए थे, बड़े मसले हो रहे थे। तो फिर अच्छा खासा नोट लिखा था इसलिए मुझे याद है। अच्छा बताया वो नोट क्या था? अब इतना नहीं याद होगा, लेकिन इतना याद है कि बीच में इंडिया था जिसकी वजह से मसले होते थे। तो फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने बांग्लादेश वालों ने खुद ही बोला कि हमारा मुल्क अलग करो बिल्कुल। अच्छा, बांग्लादेश ने बोला अलग कर दो, भुट्टो ने साइन किया और अलग हो गया। नहीं होता, आप खुद बताएं, पाकिस्तान नहीं संभाल रहा, वो इतना दूर वो संभालते। ओहो, क्या क्या दोबारा क्या? पाकिस्तान हमारा जो कंट्री है ये नहीं संभाल रहा हमारे पॉलिटिशियंस से, फिर इंडिया पार करके बांग्लादेश को कैसे संभालते? सही किया, सही किया, मेरे मैं तो कहती हूँ सही किया, यहाँ खाने को नहीं है तो वहाँ कैसे पूरा करते। बहुत माशाल्लाह, ये जो नॉलेज है आपका, ये वो किताब चाहिए मुझे। डिफरेंट बुक्स से पढ़ा है, काफी बुक्स मिक्स हो गई हैं। हाँ, लेकिन याद रह जाता है, मैं माशाल्लाह से हाफ़िज़े कुरान भी हूँ। आपका जहन इतना तेज है? जहन तेज है, एक चीज पढ़ ली और आगे पढ़ ली तो बस पार हो गए। पार। और वसीम अख्तर जो है उसकी बीवी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बीवी है, बॉलर। इतना नहीं पता, अभी तो बोल रही थी क्रिकेटर। क्रिकेटर तो वसीम अख्तर खुद है ना, वसीम अकरम, वसीम अख्तर, दोनों ही है वैसे तो क्रिकेटर। दोनों एक एरियल के वो करता है ऐड। सही है, सही है। वसीम अख्तर और वसीम अकरम कौन है? एक दोनों क्रिकेटर है ना। हाँ, एक फास्ट बॉलर है। हाँ, और दूसरा भी आई थिंक सो फास्ट बॉलर है। लेफ्ट से कराते दोनों बॉलिंग या राइट से? नहीं पता, दोनों बॉलर है फास्ट। फास्ट वसीम अख्तर और वसीम अकरम, अकरम दोनों फास्ट बॉलर, दोनों फास्ट बॉलर है भाई, दोनों फास्ट बॉलर। नहीं पीने तो भाई, कभी मैच खेलते हुए देखा दोनों को? दोनों साथ थे या अलग अलग होते थे? वसीम जो एक था वो पहले इमरान खान के साथ खेलता था, ये वाला तो बाद में खेलता था। ये बाद में है कौन सा, वसीम अकरम बाद में है, वसीम अख्तर? मुझे नाम में कंफ्यूजन हो रही है। मसला नहीं है, बाद में कौन आया? तुक्का मार दें, हैं तो दोनों जो एरियल वाले थे वो पहले थे। एरियल वाले? एरियल के तो एड्स करते हैं। एरियल क्या है? अच्छा वो एरियल वाले जो है, अच्छा वो पहले थे। हाँ, ये दूसरे वाले बाद, दूसरे वाले बाद में। दूसरे को किसी एड में देखा, कभी टीवी पे देखा आपने? हाँ, एड में देखा था, जब जैसे क्रिकेट वगैरह होते थे तो उसमें भी बैठे होते थे चैनल्स पे, ये इसके लिए डिस्कशन के लिए। अच्छा, वसीम अख्तर जो है वो क्रिकेट के डिस्कशन के लिए बैठे होते थे। मैं अभी भी नाम में कंफ्यूज हूँ, अख्तर और अकरम। वसीम अख्तर सही, वसीम अकरम दूसरे वाले। वसीम अकरम जो जिनकी वाइफ ऑस्ट्रेलिया की है, वो वसीम अकरम ऑस्ट्रेलियन वाले हैं, और वसीम अख्तर जो दूसरे बाद में आए थे। अच्छा 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 अच्छा, इनकी बड़ी बड़ी आंखें। अच्छा, 1965 में क्या हुआ था? 65 जी जी नहीं नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, खत्म हो सकता है। ऐसी बोला, ऐसी बोला है, मैंने नहीं पढ़ी ये डेट। नहीं है इसमें कुछ नहीं हुआ? नहीं, कंफर्म? कंफर्म, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। सोच के 1965 में कुछ हुआ है? नहीं, नहीं हुआ। और 1965 में कुछ नहीं हुआ मेरी नॉलेज में? नहीं है। बोल्ड कराची की लड़की, केबी, केबी आपका नाम होना चाहिए, कराची बोल्ड।